हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक हेल्दी रैप बनाने जा रहे हैं। यह राब हमारी हेल्थ इम्यूनिटीज के लिए बहुत अच्छी है और ठंड के दिनों में यह गरम गरम पीने में बहुत अच्छी लगती है। इसे हमारे जैनों में उपास के दूसरे दिन पारने में भी पिया जाता है, उसी तरह डिलीवरी के बाद भी इसे पिलाया जाता है। आइए हम इसे बनाते हैं। मैंने 2 चम्मच जितना गोंद ले लिया है और यह 4 टुकड़े मैंने गुड़ के लिए हैं। 2 चम्मच मैंने गेहूं का आटा लिया है। 1 चम्मच जितना मैंने ग्रेटेड कोकोनट लिया है। 1 चम्मच जितना मैंने बादाम को ग्रेट करके लिया है। यह 2 चम्मच जितना मैंने पिपरा मूर का पाउडर लिया है, हम गुजराती में इसे गंठोड़े का पाउडर बोलते हैं। मैंने आधा चम्मच जितना चाय का मसाला लिया है और आधा चम्मच सूंठ का पाउडर लिया है। चाय के मसाले में मैंने बहुत सारे चीज़ पड़ती है। यह रेसिपी मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे दी हुई है। इसमें काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, लौंग, पिपरा मूड और सौंठ, सब तरह की चीज़ें इसमें आती है। मैं एक पैन ले लिया है। यह हमने चौड़ा इसलिए लिया है आपको अच्छे से दिखाने के लिए। इसमें मैंने आधा दाल का चम्मच भर के घी डाला है। इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। गोंद थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। यह गोंद अच्छे से देखिए हो गया है, एकदम पूरा होता है। जो 2 टेबल स्पून गेहूं का आटा लिया था वो डालेंगे। गुला भी होने तक हम अच्छे से सेक लेंगे। इसमें हम 1 गिलास पानी डालेंगे, 1.5 गिलास पानी डालेंगे। इसमें गुड़ के 4 टुकड़े डाल देंगे और ये जो हमने सब मसाले निकाल के रखे हैं यह सब डाल देंगे और यह ग्रेट किया हुआ नारियल इसमें डाल देंगे। ये सबको हम अच्छे से 15 मिनट उबलने देंगे, जब तक हमारा गुड़ पिघल जाएगा। देखिए, राब बहुत झटपट बनती है और बहुत हेल्दी भी है। राब कई तरह से बनाई जाती है। बाजरे के आटे की राब, सत्तू के आटे की राब, अजवाइन वाली राब और यह मैं गोंद वाली राब आपको बता रही हूँ। यह अच्छे से उबल रही है और हमारा गुड़ भी मेल्ट हो गया। इसे स्लो गैस में 2 मिनट के लिए और उबलने देंगे। देखिए, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। यदि आप खाली गोंद की बनाते हैं तो वह पतली होती है। इसमें थोड़ा गेहूं का आटा सेक के ज़रूर डालिए। इसे 2 मिनट हमने अच्छे से उबाल ली है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। हम इसमें साथ में 3-4 बादाम की कतरन डालेंगे। यदि मैं ये ठंडी के दिनों में बना रही हूँ इसलिए कोई सी भी बादाम चलेगी, लेकिन यदि आप बारिश के दिन में बनाते हैं तो कागजी बादाम उसी दिन छीलिए, उसकी कतरन करिए और उसी दिन यूज़ करिए। यह अच्छे से उबल गई है। इसे हम कैसरोल में निकाल के सर्व करेंगे। इसे हम ढक के टेबल पे सर्व करेंगे। इसे हम सर्व करेंगे। इसे मैंने 1 कप में निकाल लिया है। इसे हम सर्व करेंगे। यह राब ऊपर से नीचे तक इसकी थिकनेस एक समान है।
आप इसे इसी तरह बनाइए। यह ठंडी होने के बाद भी इसकी थिकनेस एक समान रहेगी पूरे इसमें। इसे मैं थोड़ी बादाम की कतरन से गार्निश कर रही हूँ। यह राव एकदम हेल्दी है, आप इसे ज़रूर बनाइए। इस तरह आपको मेरी यह राव बनाने की रेसिपी अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं सुधाश किचन से सुधा शाह बोल रही हूँ। धन्यवाद।